हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चावला मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं, HPBEd काउंसलिंग डॉट क्लियर। हाँ, काउंसलिंग कब से होगी, आपके सवाल मेरे जवाब। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट ने कमेंट्स किए हैं, जैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग एक साथ होती है या नहीं, तो मैंने जो PG है वो प्राइवेट की है, तो क्या बोलते मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ का लगेगा, तो पूरा आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बने रही वीडियो के अंत तक। जो चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो कमेंट किया है, सबके फॉर्म एक साथ फिल होता है क्या? तो इनके बोलने का मतलब है जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की जो काउंसलिंग फॉर्म होता है, क्या एक साथ ही फिल होते हैं? जी, दोनों की काउंसलिंग जो होती है एक साथ ही फिल होती है। यानी कि जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, तो जिनके कम नंबर भी हैं और जिनके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, सभी को वो काउंसलिंग अप्लाई करनी है। अगर आपके नंबर किसी दूसरे से ज़्यादा होंगे, यानी कि कंपेरिजन गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से, तो आपको गवर्नमेंट सीट ऐसे ही मिलेगी। जिनके कम होंगे उनको उसी काउंसलिंग में प्राइवेट सीट मिल जाएगी। तो यानी कि दोनों की एक साथ ही काउंसलिंग होगी। ठीक है, बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूँगी, अपडेट जो भी आएगा। नेक्स्ट कमेंट है आपका, मैम रैंक कार्ड कहाँ से मिलेगा? तो जहाँ पे आपको जो मेल लिस्ट आई है उसके साथ एक कैटेगरी कम्बाइंड रैंक है और एक स्ट्रीम के हिसाब से कम्बाइंड रैंक है। जहाँ पे आपका रोल नंबर, उस पूरे पेज की आपको PDF जो होगी उसका स्क्रीन शॉट लेना है, उसका प्रिंट निकाल के जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो कॉलेज में सबमिट करवाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, काउंसलिंग कब से होगी मैम? तो मैंने कन्फर्म किया था, इन्होंने मुझे बताया कि अक्टूबर 1 से आपकी काउंसलिंग शुरू हो सकती है, फर्स्ट राउंड की जो आपके HPBEd वालों की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मैम प्राइवेट PG की है तो करेक्ट सर्टिफिकेट कहाँ का लगेगा? तो आपका जो करेक्ट सर्टिफिकेट है वो तहसील का लगेगा, जिन्होंने प्राइवेट करी है और जिन्होंने जिनका 1 साल का गैप है तो उनके भी तहसील का लगेगा, और जिन्होंने फिलहाल अभी जस्ट अभी डिग्री कोई भी ली है उनका अपने कॉलेज का लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है मैम, जिनको मार्क्स कम है अगर वो भी काउंसलिंग फॉर्म भर दें तो? तो जिनके मार्क्स जैसे कम है, तो जैसे वो काउंसलिंग फॉर्म भरते हैं, तो अगर जैसे आपसे भी कम काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हो गए, कहीं किसी ने कहाँ अप्लाई किया होगा, कहीं कहाँ अप्लाई किया होगा, तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप किस कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं वहाँ पे आपको सीट मिल सकती है। ठीक है, अप्लाई तो सभी ने करना है, चाहे कम नंबर है या ज़्यादा नंबर है। तो फ्रेंड्स, यही आज जो मुझे कमेंट आए हैं, तो मैंने उनमें से कुछ मुझे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे कुछ कमेंट्स, तो उनकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपका कोई डाउट अभी भी रहता है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।